हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2 गैस एंड 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस एक्स एट द सेम टेम्परेचर कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। द गैस एक्स इज, चार ऑप्शन आपको गिवेन है, CO2, CO, H2, NO। ठीक है, सब देखिए यहाँ पर दो टाइप की गैसेज हैं, एक तो N2 गैस है और एक गैस एक्स है। दो डिफरेंट गैसेज हैं बट एट द सेम टेम्परेचर पर इनका क्या है, वॉल्यूम सेम है। ठीक है, वॉल्यूम इज सेम। सो एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि अगर आपका सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन है और आपकी दो या दो से ज्यादा गैसेज अगर सेम वॉल्यूम कैरी करती हैं तो उन सेम वॉल्यूम के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ठीक है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। क्लियर? तो इसका मतलब इन दोनों के मॉलिक्यूल सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे तो इसका मतलब ये जो दो गैसेज हैं, अगर मैं फॉर्मूला में जानती हूँ नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर वेट होता है और इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो पार्टिकल्स होता है एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम होता है। सो अगर दो गैसेज का, अगर ये वाले दो फैक्टर्स क्या है, सेम है, तो इसमें ये जो एक देखिए एवोगैड्रो पार्टिकल ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है, एनएच की वैल्यू जो ऑलरेडी कांस्टेंट है, वीएम ऑलरेडी कांस्टेंट है। सो इसका मतलब ये दोनों गैसेस के लिए अगर ये चार पैरामीटर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब आपके ये मोलर वॉल्यूम भी क्या होगा, इसका सेम होगा। ठीक है, इसका मोलर वॉल्यूम सेम होगा, राइट? सो आप अगर N2 का मोलर वॉल्यूम देखें, सॉरी नॉट मोलर वॉल्यूम, मोलर मास देखें, नॉट मोलर वॉल्यूम, मोलर मास। सो N2 का जो मोलर मास होता है दैट इज आपका 2 × 14, दैट इज 28 ग्राम पर मोल होता है। तो अब कौन सी ऐसी गैस है जिसका सेम मोलर मास होता है, CO2 का आपका 44 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, CO का 28 होता है, H2 का 2 होता है एंड NO का कितना होता है, NO N का होता है 14 एंड ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो जाएगा आपका 30। सो आप देख रहे हो कि यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट। सबका यूनिट जो है ना ग्राम पर मोल है, ग्राम पर मोल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।